तो बहुत काम किया है और सभी समाजों का वर्गों का तो पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है। बदलाव होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मैं बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता प्रदेश में है, जो एकजुटता किसानों में, नौजवानों में, शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, हर वर्ग आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरह से कैंपेन हमारा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से रेवाड़ी नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भारी जीत दिलाएंगे जनता और एक पूर्ण बहुमत और बड़ी बढ़त के साथ सरकार यहाँ बनाएंगे। धुआं छोड़ने की बात करें कि धुआं छोड़ रही है डबल इंजन की सरकार। अबे ऐसे मुझे बताओ, 9 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अगर इतना अच्छा काम उन्होंने उनकी सरकार ने किया था तो क्या मजबूरी थी कि उनको बदलना पड़ा? उनको मुख्यमंत्री से हटा के नए मुख्यमंत्री जी को बनाया है। और लोकसभा चुनाव यहाँ के बहुत सारे दावे किए गए थे, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है और वो एक एहसास कराता है कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या रहेगा। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही है बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो बदला क्यों, उनको हटाया क्यों पद से, क्या मजबूरियां थी चुनाव से ठीक पहले? तो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भाजपा की स्थिति और छवि खराब है, इसलिए उनको बदला गया। और लोग मन बना चुके हैं, बहुत देर हो गई, अब कोई यहाँ नेता आ जाए, कोई भाषण दे ले, कुछ घोषणा करा लो, कुछ घोषणा पत्र में लिखवा लो,